हेलो एवरीवान वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट सीओपीडी मतलब कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज को ट्रीट करने के लिए कौन से मेडिसिन वगैरह यूज होते हैं तो उनका डिटेल फार्माकोलॉजिकल क्लासीफिकेशन हम सीखने वाले हैं ये वीडियो लेक्चर में मतलब कि हम करेंगे डिटेल फार्माकोलॉजिकल स्टडी ऑन ड्रग विच आर एक्टिंग ऑन रेस्पायरेटरी सिस्टम बिकॉज पार्ट वन के अंदर हमने सीखा था कि सी की जो रेस्पिरेटरी ट्रैक रिलेटेड डिसीज़ है तो उसको ट्रीट करने के लिए जो हम मेडिसिन वगैरह यूज़ करेंगे वो रहेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पायरेटरी सिस्टम तो ऐसे क्लास के मेडिकेशंस की जो आपके रेक्सपायडे ट्रैक को अफेक्ट करते हैं तो ये क्लास के मेडिकेशंस के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो टाइटल स्लाइड के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सालमेटेरन एंड फ्लूटिकासन प्रोप्योनेट का एक्यूहेलर जो मार्केट में अवेलेबल है कि जो जी का एस के काफ़ी फेमस ब्रांड है उसी तरह से आलबेटेरॉल सल्फेट का इनहेलेशन सॉल्यूशन भी मार्केट में अवेलेबल होता है फिर टर्ब्यूटालिन सल्फेट के इंजेक्शन भी अवेलेबल है इटोफाइलिन एंड थीफाइलिन के टैबलेट्स फिर रॉफ्लोमिलास्ट के टैबलेट है तो ये सभी ऐसे मेडिकेशन है कि जिसको हम कहते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पायरेटरी सिस्टम तो शुरू करते हैं आगे और सीखते हैं डिटेल में ये क्लास के मेडिकेशन के बारे में एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरॉक्स थैंक यू फॉर बी इन वन लेक फैमिली ऑफ फार्मर अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड द वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉग्स तो फार्मारॉग्स का मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो और एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल को वीडियो लेक्चर को एंड द टेस्ट सीरीज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर पर से आप डाउनलोड कर सकते हो और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए तो पार्ट वन के अंदर हमने सीखा कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज के अंदर मेनली जो है वो एयरवे हमारा ब्लॉक हो जाता है और वहाँ पे जो एयर सेक्स होते हैं वहाँ पे होता है इन्फ्लेमेशन और यहाँ पे दो मेन मेडिकल कंडीशन इंक्लूड होती है एक है ब्रोंकाइटिस एंड एम्फेसिमा तो ब्रोंकाइटिस के अंदर यूजअली क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन एंड नैरो हो जाती है हमारी ब्रोंकियल ट्यूब्स के जो ब्रोंकियल ट्यूब्स है वहाँ पे इन्फ्लामेशन होना और वो नैरो हो जाती है जिसके कारण एयर वे को वे जो है पूरा वो धीरे धीरे नैरो होता है और ब्लॉक होता है और एयर को पासिस होने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है दूसरी तरफ क्या होता है कि एम्पेसेमा की जो कंडीशन वहाँ पे डेवलप होती है वो एयर सेक्स को डिस्ट्रॉय करते हैं जिसके कारण एयर फ्लो जो है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं और उसके कारण जो अलग अलग सिम्टम्स वगैरह डेवलप होते हैं मतलब कि पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग करने में एज़ वेल एज़ वहाँ पे म्यूकस डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है तो उसके कारण काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और उसके रीजंस भी हमने देखे थे कि जो अलग अलग कि एयर पॉल्यूशन के कारण जीनेटिक फैक्टर से फैमिली हिस्ट्री है लंग इरीटेंट स्मोकिंग वगैरह के कारण या फिर पास्ट में आपको अस्थमा हुआ था या और कोई रेस्परेटरी ट्रैक रिलेटेड कंडीशंस या फिर डिसीजेज थी तो उसके कारण सीओपीडी आपको हो सकता है और सिम्टम्स भी जाने के वहाँ पे मेनली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है वीजिंग होती है चेस्ट टाइटनेस होता है तो ये सब सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं डायग्नोसिस का भी हमने पार्ट वन के अंदर जाना था कि डायग्नोसिस के लिए स्पायरोमेट्री की जाती है एज वेल एज चेस्ट एक्सरे एंड सी टी स्कैन से भी आपको पता चलता है कि किस तरह से कंडीशन है सी ओ पी डी की और आगे और ज़्यादा कन्फर्मेटिव टेस्ट भी आप करवा सकते हो और उसमें ब्लड सैंपल्स भी चेक किए जाते हैं और वो मेज़र करते हैं आपके ब्लड ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर इम्पोर्टेंट लेवल्स को तो अब ये हमें पार्ट टू के अंदर सीखना है कि कौन से मेडिकेशंस यूज होते हैं इन ए मैनेजमेंट ऑफ ए सी बिकॉज पेशेंट को सपोर्टिव केयर के तौर पे ऑक्सीजन तो दिया ही जाता है कि पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो दिया जाता है एक्सटर्नली बट साथ में मेडिकेशंस हम कौन से यूज़ करते हैं तो उसमें सबसे टॉप पे है ब्रोंकोडाइलेटर्स उसके बाद है इन्हेल्ड स्टेरॉयड्स वगैरह है कॉम्बिनेसन इन्हेलर से कि वो भी स्टेरॉयड क्लास के ही मेडिकेशन में आएंगे ओरल स्टेरॉयड है थियोफाइलिन है एंटीबायोटिक्स एंड फॉस्पोडाइस्ट्रिस फॉर कि जिसको हम शॉर्ट में पीडीई डी इन्हीबिटर्स कहते हैं तो ये सभी मेडिकेशंस को डिटेल में जानते हैं ये पार्ट टू वीडियो लेक्चर में अबाउट द सी तो सबसे पहले समझिए ब्रॉन्कोडाइलेटर्स ऐसे मेडिकेशंस की जो आपकी ब्रोंकियल ट्यूब को करते हैं डायलेट तो ब्रोंकियल ट्यूब को डायलेट करने का जो काम करने वाले मेडिकेशन हैं उनको हम कहेंगे ब्रोंको डायलेटर तो हमने एक सिम्टम्स देखा था कि यहाँ पे ब्रोंकाई जो है वो कैसी हो जाती है नैरो हो जाती है तो उसको वाइड करवाना जरूरी है कि जिससे एयर फ्लो है वो इजीली पास हो जाए आपके रेस्पारेटरी ट्रैक के अंदर तो हम ऐसे मेडिकेशंस ट्राई करेंगे कि जो आपके नेर एयरवे को वाइड कर दें तो उसके लिए ज़रूरी है उसको डायलेट करना कि जो पहले ये कंस्ट्रिक्शन हो जाता है कॉन्ट्रैक्शंस हो जाता है तो वहाँ पे जरूरी है डायलेशन करवाना कि जिससे एयरवे जो है वो ईज़िली पास हो जाए वाइड होने के कारण ये ब्रोंकियल ट्यूब्स के तो उसके लिए जो मेडिकेशन हम प्रिस्क्राइब करते हैं उनको ब्रोंको कहते हैं तो उसमें जो पॉपुलर एक नाम है वो बीट, आ, बीटा टू सिंपेथोमायमेटिक्स के अंदर साल ब्यूटामॉल है कि जो अस्थमा के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है कि अस्थमा में भी जो सिम्टम होता है कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाता है तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होने के कारण जब एयरवे नैरो हो जाता है और उसको वाइड करने के लिए डायलेट करने के लिए जो हम मेडिसिन लेते हैं वो कहे जाते हैं ब्रोंको डायलेटर्स तो साल ब्यूटामॉल उस काफ़ी पॉपुलर है किस तरह से उसका पंप जो है वो इन्हेलर पंप यूज़ करते हैं इनहेलेशन पंप कि जिससे पेशेंट को काफ़ी रिलीफ होती है उसी तरह से दूसरे जो ब्रोंको डायलेटर है वो है टर्ब्यूटालिन है बेम्ब्यूटेरोल है सालमेटेरोल है फॉर्मोटेलोल है एंड एफेड्रीन फार्माकोलॉजिकली उसका और क्लासिफिकेशन एक हम देखें तो ब्रोंको डायलेटर्स आगे दो टाइप में डिवाइड होते हैं एक है कि जो लॉन्ग एक्टिंग है एक है वो है लॉन्ग एक्टिंग जैसे कि सालमेटेरॉल है फॉर्मोटेरोल है आरफोरमोटेरॉल है कैरमोटेरोल है ऑलेडेटेरोल है इंडाटेरॉल है और दूसरे ऐसे कि जो शॉर्ट एक्टिंग है जैसे कि सालब्यूटामोल टर्ब्यूटालिन लिवाल ब्यूटेर पीर ब्यूटेरॉल आइसो इथेराइन बेटोल्टेरॉल फेनोटेरॉल एंड प्रोकेटेरॉल तो ये साइड जो हम देख रहे हैं वो है शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर्स की जो सी के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ होते हैं और ये वाले सब लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर्स से तो जेंथिन डेरिवेटिव्स की जो एज अ ब्रोंकोडायलेटर काम करते हैं उसमें थियोफाइलिन काफ़ी पॉपुलर है उसके बाद एमिनोफाइलिन कि यहाँ पे उसका हम इंजेक्शन के तौर पे देख सकते हैं कि जो पेरेंट रिले दिया जाता है उसके अलावा थियोफाइलिन के सस्टेन रिलीज टैबलेट की जो एस लिखा है सस्टेन रिलीज टैबलेट अवेलेबल होते कि जो ब्रोंकोडाइलेटर के तौर पर काम करता है उसके बाद कोलाइन थियोफाइलिनेट है हाइड्रोक्सी इथाइल थियोफाइलिन है डॉक्सोफाइलिन है एन थियोफाइलिन इथेनोलेट ऑफ पाइपराजिन मतलब कि मेनली मिथेल्गजेंथिनस के अंदर थियोफाइलिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और दूसरा एमिनोफाइलिन कि जो ब्रोंकोडाइलेटर्स के तौर पे काम करते हैं फिर ब्रोंकोडाइलेटर्स में हम देखें तो एंटीकोलिनर्जिक्स जैसे कि इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड एंड इट इज़ यूज बाई इन्हेलर और रेब्यूलाइजर एंड यूज टू ट्रीट अस्थमा क्रोनिक अटैक ऑल्सो तो सी ओ पी डी के साथों साथ ये अस्थमा के क्रोनिक अटैक्स को भी ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं और एज अ ब्रोंको डाइलेटर इन ए सी ओ पी डी की जब किसी को ब्रोंकाइटिस की कंडीशन प्रोड्यूस होते हैं एम फस एम आर के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं और जिसमें ब्रोंको कंस्ट्रिक्सन हो जाता है तो उस वक्त ये मेडिकेशन काफ़ी इफेक्टिव एंड पावरफुल साबित होती है टू ट्रीट दैट कंडीशन। उसके बाद दूसरे जो सिम्टम्स जो है सी ओ पी डी के, के लाइक नोज जैसा भी सिम्टम्स डेवलप होता है साथ में कॉफिंग और स्नीजिंग वगैरह स्टार्ट हुआ है पेशेंट को तो उस वक्त ये ल्यूकोट्राइन एंटागोनिट्स जैसे कि मॉन्टेल्यूकास्ट है जारफी ल्यूकास्ट प्रान ल्यूकास्ट कि वो सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट को सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं फिर फाइव लिपोक्सी ऑक्सीजनेस इन्हीबिटर्स के अंदर जैल्यूटन है हाइपरिकम परफोरेटम है तो ये दो इफ़ेक्टिव साबित होते हैं एज अ फाइव लिपोक्सी ऑक्सीजनेस इन्हीबिटर के तौर पे। उसके बाद आप देखिए कि जो मास्ट सेल स्टेबिलाइजर्स ड्रग है कि जो प्रोफाइल एक्सिस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा भी में भी यूज़ किए जाते हैं तो उनको इन्हेलेसन रूट से दिए जाते हैं कि लाइक सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है कीटोटिफेन है से एंड नेडोक्रोमिल तो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट के आप यहाँ पे सी एफ सी फ्री इन्हीलर देख सकते हैं कि जो 5 एम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है तो ये इनहेलेशन रूट से दिए जाते हैं कि जो मास्ट सेल स्टेबिलाइज़र के तौर पे काम करते हैं और ब्रोंकियल अस्थमा के साथ साथ सी के जो सिम्टम्स है उसको भी ट्रीट करने के लिए क्योर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं फिर हम देखें ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉयड की जो टैबलेट फॉर्म में है तो जैसे कि सिस्टेमेटिकली जो टैबलेट डोजेस फॉर्म के तौर पे यूज़ होते हैं तो हाइड्रोकोर्टिसोन की जिसकी स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं टेन एम की स्ट्रेंथ में वो अवेलेबल होता है उसके बाद प्रेडनीसोलोन के टैबलेट प्रेडनीसोलोन की जो एक मिलीग्राम का यहाँ पे आप टैबलेट देख सकते हैं और यहाँ पे प्रेडनीसोलोन के डिस्पर्जिबल टैबलेट की जो टेन मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है उसके बाद इन्हेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड की जो यूजली पाउडर फॉर इन्हीलेशन के तौर पे यूज होते हैं यहाँ पे देखिए लिखा है पाउडर फॉर इन्हेलेशन मतलब कि ये ऐसे स्टेरॉयड्स क्लास के मेडिकेशन है कॉर्टिको स्टेरॉयड के अंदर कि उनका पाउडर एज अ इनहेलर यूज़ किया जाता है लाइक like, बैक्लोमिथासोन uh, है उसके बाद बुडेसोनाइड है फ्लूटेकैसोन है एन फ्लूनिसोलाइड एन सिक्लेसोनाइड तो यहाँ पे देखिए सालमेटेरोल के साथ कॉम्बिनेशन के अंदर फ्लूटेकैसोन प्रोप्योनेट एक्यूहेलर मार्केटेड फॉर्मुलेशन है तो फ्लूटेकसोन का जो कॉम्बिनेशन बना है सालमेटेरोल के साथ कि जो ब्रोंकोडाइलेटर के तौर पे काम करता है तो ब्रोंकोडाइलेटर एंड स्टेरोड दोनों कॉम्बिनेशन में यहाँ पे यूज़ हुए उसी तरह से बेक्लोमिथासोन डाइप्रोपियोनेट इनहेलर कि जो 250 माइक्रोग्राम के स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और यहाँ पे सालमेटोर 50 माइक्रोग्राम और 250 माइक्रोग्राम रहेगा फ्रूटी तो ये स्ट्रेंथ के अंदर ये इन्हीसन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज होते हैं टू तो फॉर सी उसके बाद थियोफाइलिन तो थियोफाइलिन का ये एक काफ़ी पॉपुलर डोजेस फॉर्म है कि जो जाइडस हेल्थ केयर का एक फेमस ब्रांड है दैट इज़ डेरीफाइलिन तो डेरीफाइलिन तो के जो टैबलेट्स आते हैं थ्री हंड्रेड एम जी के स्ट्रेंथ में कि जिसके अंदर सस्टेन रिलीज टैबलेट है इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन के जो दोनों कॉम्बिनेशन के अंदर है तो थियोफाइलिन के जिसको हम कहते हैं वन थ्री डायल मिथाइल जेंथिन इन इज ए फॉस्पोडाइस्टरेज इनहिबिटिंग ड्रग कि उसकी जो मेकेनिज्म है तो वो फॉस्पोडाइस्टरेज को इनहिबिट करती है और अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाती है वो है एज अ ब्रोंको डायलिटर तो बहुत सारे रेस्परेटरी ट्रैक रिलेटेड डिसीज के अंदर ये यूज़ होता है थीओफाइलिन एंड इट हैज़ बीन यूज इन ए ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी फॉर मोर देन सेवन डी के तो सालों से ये यूज़ होता आया है और ये डेरीफाइलिन काफ़ी पॉपुलर उसका डोजेस फॉर्म है कि जो सी ओ well पी डी एज वेल एज जितने भी अलग अलग रेस्परेटरी ट्रैक रिलेटेड डिसीज है जिसमें ब्रोंको कंस्ट्रिकस वगैरह होते हैं तो उसमें यह काफ़ी पावरफुल एंड इफ़ेक्टिव साबित होता है फिर एंटीबायोटिक्स थेरापी हम देखें तो एंटीबायोटिक्स चॉइस फॉर पेशेंट विथ अनकॉम्प्लिकेटेड सी इंक्लूड लाइक मैक्रोलाइट तो मैक्रोलाइट के अंदर हमें पता है कि जो एजिथ्रोमाइसिन है क्लैरिथ्रोमाइसिन रेग्जिथ्रोमाइसिन जितने भी अलग अलग ये मैक्रोलाइड है ये सभी इफ़ेक्टिव साबित होते हैं सी के अंदर उसके बाद कीटोलाइड्स के अंदर टेलीथ्रोमाइसिन कि यहाँ पे टेलीथ्रोमाइसिन के आप टैबलेट देख सकते हैं 400 हंड्रेड एम स्ट्रेंथ के अंदर फिर यह है एजेसिव कि जो एजिथ्रोमाइसिन उसके अलावा सेफालोस्पोरिन जैसे कि सेफ यूरोग्जाइम सेफ़ पोडोगज़ाइम एंड सेफडीनर जैसे सेफालोस्पोरिन भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं एज अ एंटीबायोटिक फिर डॉक्साइक्लिन के कैप्सूल भी यूज़ किए जाते हैं हंड्रेड एम की स्ट्रेंथ के अंदर एंड ट्राई मिथोप्रीम एंड सल्फ़ामिथोक्जाजॉल कि जिसको हम कहते हैं टी एम पी एंड एस एम एक्स तो टाईमिथ्रोप्रीम एंड सल्फामिथोक्जाजॉल का ये कॉम्बिनेसन कि जिसको क्लोट्राइमोक्जाजल भी हम कहते हैं तो ये भी एज अ एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया जाता है टू ट्रीट द कंडीशन ऑफ ए सी ओ पी डी उसके बाद एक और काफ़ी इफ़ेक्टिव एंड पावरफुल क्लास है वो है पी डी ई फॉर इन्हीबिटर कि जिसको हम कहते हैं फॉस्पोडाईस्टरेस टाइप फॉर इन्हीबिटर ड्रग पी डी ई फॉर इन्हीबिटर ड्रग्स तो उसके अंदर तीन ऐसे मेडिकेशन से कि जो यूज़ होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ स्किन और लंग डिस तो ये तीन आप देखें एक है एप्रीमिलास्ट है फिर क्रिसाबोर है एंड रोफ्लो तो ये तीनों जो है वो पी डी फॉर इनहेबिटर है एंड रॉफ्लो मिलास्ट इज करंटली द ओनली पी डी फॉर इन्हीबिटर अप्रूवल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सबसेट ऑफ पेशेंट विद सीवियर सी ओ पी डी की जो पेशेंट काफ़ी सीवियर हो जाते हैं सी ओ पी डी के अंदर तो उसमें रॉफ्लोमिलास्ट जो है वो अप्रूवल ड्रग है द कंडीसन तो रॉप्रो के 500 माइक्रोग्राम के टैबलेट की जो मार्केट में अवेलेबल है और एप्रीमिलास्ट की जो टैबलेट की जो 30 मिलीग्राम है तो ये है तो पी डी फॉर इनहिबिटर्स यूज होते हैं टू ट्रीट सी तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर फार्मर के जो लेक्चर नोट्स से पी टी है पी वगैरह आपको फार्मर के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स का एंड्रॉयड एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर से और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी So good luck and all the best.